हेलो एवरीवन, आज के हम बात करेंगे वीवर्स के बारे में। वीवर्स जो कि महिलाओं की गुप्तांग की समस्या या फिर एक बोल सकते हैं प्राइवेट पार्ट या फिर वेजाइनल पार्ट जहाँ पे हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो जानते हैं कौन कौन सी समस्याएँ रहती है गुप्तांग की महिलाएँ के अंदर, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। पहली जो एक तरह से जो स्मेली फिस आती है, गंदी सी स्मेल आती है वेजाइनल पार्ट से, तो उसको भी ये दूर करता है जब भी इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पे एक तरह का तरल पदार्थ या भी बोल सकते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वहाँ पे, तो उसको भी ये दूर करता है यूज़ करने पर। और साथ ही साथ वहाँ पे खुजली सी होती है उस पार्ट में, इरिटेटिंग सा फील होता है, तो उस समस्या को भी ये वीवर्स दूर करता है। और ऐसी समस्याएं और भी बढ़ती जाती हैं तो कभी चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो, क्योंकि जो यूरिनरी वहाँ से जब भी यूरिन निकलता है वहाँ पे तो बैक्टीरिया पनपने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस चांसेस में इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है। तो उसमें भी वीवर्स जब भी यूज करते हैं तो वहाँ पे एक तरह से हाइजीन मेंटेन होती है, तो इस तरह से हाइजीन जब मेंटेन होती है तो वहाँ पे वेजाइनल की जो हेल्थ रहती है एक तरह से अच्छी बनी रहती है। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इसका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक महिला इसको यूज कर सकने पर थोड़ा सा अपने हाथ में लेके ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स लेके उसको वेजाइनल पार्ट में अप्लाई करें, फिर इसके बाद जब भी नहाएं तो उसको धो ले। तो इस तरह से आप इसको एवरीडे यूज में कर सकते हैं। तो जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे कि प्योरीफाइड वाटर प्रेजेंट है और इसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है जो कि वेजाइनल के पीएच जो रहता है वो मेंटेन करता है, 3.5 से 4.5 तक इसका पीएच होना चाहिए यहाँ पे वेजाइनल में, तो उसमें ये मेंटेन करता है ये इंग्रेडिएंट्स। और कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स जैसे बेंजोइक एसिड है, ठीक है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं पर अपना अपना रोल निभाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर सॉर्बिटॉल है, फ्रेगनेंस डालते हैं कि कभी स्मेल जाए, स्मेल भी दूर रहे और एक तरह से वहाँ पे स्मेल ना आने के कारण खुशबू आए। और कुछ ऑयल भी है, टी ट्री ऑयल है, फ्रूट ऑयल है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।